बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कांग्रेस पार्टी सख्त। राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद दिव्या मदेरणा को किया गया तलब। पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कांग्रेस पार्टी सख्त नजर आ रही है, लिहाजा ऐसे में पहले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को उनके पद से बर्खास्त किया गया, तो वहीं उसके बाद विधायक दिव्या मदेरणा को उनके बयानबाजी को लेकर तलब किया गया। वहीं अब प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का भी बयान सामने आ गया है। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है, लेकिन बार बार पार्टी के बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करना गलत है या पार्टी विरोधी बात करना भी ठीक नहीं है। प्रभारी रंधावा ने कहा कि जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया और उनके बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष ने तत्काल रिएक्शन दिया, उसकी भी हम जांच करेंगे कि कहीं दोनों में साठगांठ तो नहीं। वहीं दिव्या मदेरणा के मामले को लेकर प्रभारी रंधावा ने कहा कि मदेरणा परिवार कांग्रेसी परिवार है, उन्होंने कभी भी पार्टी विरोधी बात नहीं की। बात कही वो उनका नजरिया था। गुढ़ा के मामले पर सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पहले भी दो बार ऐसी बातें वो कर चुके हैं। मैंने राजेंद्र गुढ़ा को हिदायत दी थी, एक बार से ज्यादा ऐसा मामला हो चुका था, इसलिए मैंने उन्हें सख्ती से कहा था कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका उन्होंने भरोसा भी दिलाया था। आगे बढ़ने से पहले रंधावा का बयान जरा आप सुन लीजिए। मेरे को एक बात है कि जो पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा, बहुत इनडिसिप्लिन देख लिया। इलेक्शन नजदीक है, हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लिन की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस में उससे ज्यादा डिसिप्लिन है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है। ये मैं मंत्री जी को भी एक दो बार मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाइए, नहीं सुनते आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बात करिए, मैं करूंगा और जो बात करनी है मैं आप करूंगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल उनको ये गवारा नहीं लगा और उसके बाद हमने जो पार्टी के या स्टेट के और जो कंट्री के बारे में पूरा कंट्री पूरा देश मणिपुर की घटनाओं को निखेधी कर रहा है, हमारा एक मंत्री उठ कर उसको छोड़िए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी, हमने उनके ऊपर एक्शन कर। तो वही बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि पिछले दो महीने से मणिपुर में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की तस्वीरें शर्मसार करने वाली आई है, महिलाओं का दर्जा हमारे समाज में बहुत ऊंचा है। जवानों का कहना है कि उन्होंने देश की इज्जत तो बचा ली, लेकिन महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सके। और वहां सुरक्षा तैनाती भी भारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन इतनी तैनाती के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही, तो अब तो राज्य सरकार को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था। रंधावा के इस बयान पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।